केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान में जनपद इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 16 नवंबर 2011 को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में अदालत ने आरोपी घोषित किया है। 12 साल पहले थाना हरी पर्वत में टोरंट के सुरक्षा निरीक्षक ने उस दौरान के स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ 10-15 लोगों के खिलाफ टोरंट अधिकारी भावेश रसिकलाल शाह के साथ आगरा के साकेत मॉल स्थित टोरंट पावर कार्यालय में मारपीट करने का आरोप लगाया था। वादी की तहरीर पर थाना हरी पर्वत पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में 12 साल बाद 5 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया है। अदालत ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 12 साल पहले 16 नवंबर 2011 को टोरंट पावर के संरक्षण निरीक्षक समेधी लाल ने थाना हरी पर्वत में तहरीर देते हुए उस समय के स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने और उनके साथ आए 10-15 समर्थकों ने टोरंट कार्यालय में घुसकर टोरंट अधिकारी के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। पूरी घटना बताते हुए समेधी लाल ने थाना हरी पर्वत में मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित कार्यालय में विद्युत चोरी से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। उसके द्वितीय तल पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण करते हैं। उसमें 16 नवंबर 2011 की तकरीबन 12:10 पर उस समय के स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 के करीब समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। वादी की तहरीर पर सांसद रामशंकर कठेरिया एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और पूरे मामले में थाना हरी पर्वत पुलिस द्वारा सांसद के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के करीब 12 साल बाद विशेष मजिस्ट्रेट MP MLA ने भाजपा सांसद को दोषी पाया है। अदालत ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। शमशाबाद रोड आगरा पर एक महिला प्रेस करती थी, प्रेस कपड़ों पर SC समाज की थी। उनका एक टोरंटो का मामला था, उनका बिल जो है ज्यादा आ गया था, तो वो काफी परेशान थी। तो वो मेरे पास आई थी तो मैंने फ़ोन किया टोरंटो को, बात की तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। उसके 8 दिन बाद वो महिला अपने बच्चों के लेकर हमारे खंदारी कैंपस पर आई और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ है, मैं सुसाइड कर लूँगी, और बहुत तेज़ी से रोने लगी। तो मैं वहाँ से उठ कर के टोरंटो के ऑफिस में गया और उसके बाद वहाँ पर उनसे कहा तो वो ठीक हो गया। उसमें चूंकि बसपा की उस समय शायद सरकार थी, तो उस समय मेरे ऊपर पॉलिटिकली कई इस तरह के मुकदमे लिखे गए थे, उसी क्रम में ये भी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया। उसमें जो वादी थे उन्होंने कहा कि सांसद जी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं, और जो गवाह थे उन्होंने कहा कि मैं सांसद जी को देखा भी नहीं ऑफिस में। इन सब के बावजूद 323 और 147 में मुकदमा लिखा गया और आज माननीय कोर्ट आगरा ने जो 323 की सज़ा 1 साल की होती है वो, और 147 की सज़ा होती है 2 साल की, ऐसा उन्होंने 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया है और उसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी है। केवल जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने को लेकर के जो मुकदमा लिखा गया उससे ऊपर 147 323 मामूली सी धाराएं हैं, अमूमन एक्यूटल होते हैं, लेकिन चूंकि ये हाईलाइटेड मामला है, एक सांसद से जुड़ा मामला है, इस वजह से इसमें 147 और 323 में केवल सज़ा की गई है। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है कोर्ट के सम्मान है और तहे दिल से सम्मान है, बाकी का ये है कि राइट है, उसके लिए अपील की जाएगी। कितनी सज़ा हुई है, किस धाराओं में हुई है? 323 में सज़ा की है और 147 में सज़ा की है, तो मैक्सिमम इन्होंने 2 साल की सज़ा की है। 2 साल की सज़ा उसमें होती है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते।
जुर्माना 50,000 किया। इससे जो है संसद की सदस्यता पे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा है ना, वो उनका नियम कानून है वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 2 साल की सजा राहुल गांधी को भी सदस्यता कर दी गई थी। हाँ सदस्यता वो पॉलिटिकल मामला है, वो अपना कुछ भी करें, लेकिन कायदे में इस पर बंद जाने हैं। कानून ये कहता है कि अगर अपील हो जाती है तो वो जो सजा हुई है वो सजा उस समय तक मानी नहीं जाएगी जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता। ओके, सजा गलत तथ्यों पर आधारित। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।